गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, जीवाणु। तो आज हम जीवाणु से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने की थी। ठीक है, जीवाणु विज्ञान का पिता लुएनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का पिता लुएनहॉक को कहा जाता है। 1829 ईस्वी में एहरेन बर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया। ठीक, इन्हें जीवाणु नाम किसने दिया? तो 1829 ईस्वी में एहरेन बर्ग ने। ठीक है, लुई पाश्चर ने किडवन पर कार्य किया और बतलाया कि यह जीवाणुओं द्वारा ही होता है। लुई पाश्चर ने बताया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। रॉबर्ट कोच ने 1821 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि चौपायों में होने वाली एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में तपेदिक रोग तथा हैजा रोग का कारण भी जीवाणु है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक, तो एक ट्रिक के माध्यम से हम जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम को पढ़ेंगे। ठीक, तो ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है रिया। ठीक है, ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है रिया। एक बार फिर से देखते हैं, ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है रिया। ठीक, तो रिया से हो जाएगा बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु से होने वाले ये सारे रोग हैं। ठीक, तो पंडित में प से क्या होता है? प्लेग होता है। डी से क्या होता है? डिप्थीरिया होता है। त से क्या होता है? तपेदिक होता है। का से क्या होता है? काली खांसी होता है। टी से क्या होता है? टी से मतलब ट से दो चीज होता है, एक टाइफाइड, दूसरा टिटनेस होता है। न्यू से क्या होता है? निमोनिया होता है। क से क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। ह से क्या होता है? हैजा होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिविजन करते हैं कि ट्रिक क्या है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। पंडित का टिक न्यू है रिया। ठीक, प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, क से काला खांसी, ट से टाइफाइड और टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, ह से हैजा, और रिया का मतलब बैक्टीरिया हो जाएगा, जो कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं ये सब। अब आइए, जैसे अब हम लोग यहाँ पे टीबी के बारे में बात किए, तो टीबी को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं। ठीक, तो क्षय रोग मतलब टीबी। इससे तीन फैक्ट मैं बताता हूँ आपको क्या क्या, कि टीबी मतलब टीबी डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 2021 का टीबी डे का थीम क्या था? तो द क्लॉक इज टिकिंग था। टीबी उन्मूलन कब तक हो जाएगा? तो टीबी का उन्मूलन कब तक हो जाएगा? 2025 तक हो जाएगा। ठीक, और अगर पूछ दे मलेरिया का उन्मूलन कब तक हो जाएगा, तो मलेरिया का उन्मूलन 2030 तक हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे बीमारी और उनसे प्रभावित अंग। ठीक, तो जो टिटनेस बीमारी है उससे कौन सा प्रभावित अंग है? तंत्रिका तंत्र। ठीक, हैजा से आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, हैजा और टाइफाइड दोनों से आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग मतलब टीबी से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होती है। प्लेग से फेफड़ा प्रभावित होता है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। काली खांसी, काली खांसी जो बीमारी है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। कोढ़ का मतलब कुष्ठ रोग जो होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उससे तंत्रिका तंत्र और त्वचा दोनों प्रभावित होते हैं। कौन सा कौन? कोढ़ या कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र और त्वचा। गोनोरिया से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। सिफिलिस एक प्रकार की बीमारी है जिससे कि प्रभावित अंग कौन सा है? सीसन। क्या प्रभावित अंग? सीसन।
अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमारी और वो जीवाणु के नाम, ठीक, उस बीमारी के जीवाणु के क्या नाम है, ठीक है। तो टिकनेस कौन से जीवाणु से होता है, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक। तो टिटनेस से टेटेनी बन गया है, ठीक। तो एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको भी याद रख सकते हैं कि ट से टिटनेस और ट से टेटेनी है लास्ट में, तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक। हैजा, हैजा से कौन सा जीवाणु है, विब्रियो कॉलेरी, हैजा से, हैजा से कॉलेरी, ठीक। तो विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड से, टाइफाइड से टाइफी हुआ है लास्ट में, तो साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड से टाइफी हुआ है तो उसका पूरा नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग मतलब टीबी से, तो टीबी से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी लिखते हैं ना क्षय रोग को टीबी, टीबी से ट्यूबरक्लोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरिया से कोरिनी बैक्टीरियम डिप थ्री। प्लेग से पास्चुरेला पेस्टिस, प से प्लेग, प से पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी के जीवाणु का नाम क्या है, हीमोफिलस पर्टुसिस, हीमोफिलस पर्टुसिस, काली खांसी का क्या है, हीमोफिलस पर्टुसिस। अब आइए निमोनिया से, तो निमोनिया का डिप्लोकोकस न्यूमोनी, न से निमोनिया, न से न्यूमोनी, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। कोड मतलब कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कोड का याद कर लीजिए, लेप्री, कोड का लेप्री, तो क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब आ जाइए गोनोरिया, गोनोरिया से नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक, गोनोरिया का नाइसेरिया गोनोरियाई हो जाएगा। अब आ जाइए सिफिलिस, तो सिफिलिस से ट्रेपोनमा पैलिडम, सिफिलिस का ट्रेपोनमा पैलिडम, ठीक है। अब आइए, अब हम दूसरा टॉपिक क्या है कि बीमारी और उसके लक्षण क्या है, उस बीमारी के लक्षण क्या है, ठीक। जैसे कि अगर आपको टिटनेस बीमारी है तो उसके लक्षण क्या है, टिटनेस में आपको क्या होगा कि आपको तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐठन होगा और जबड़ा का बंद होना, क्या है, ये सब टिटनेस के लक्षण है। टिटनेस में क्या क्या होगा, जैसे कि आपको तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐठन होगा और जबड़ा का बंद होना होगा। अब दूसरी बीमारी हैजा है, हैजा के लक्षण क्या है कि आपको लगातार दस्त होगा और उल्टियां होंगी, ठीक, लगातार दस्त होगा और उल्टियां होंगी। टाइफाइड में, टाइफाइड के लक्षण क्या है कि आपको तेज बुखार होगा और तेज बुखार के साथ साथ आपको सिर दर्द भी करेगा, ठीक है। टाइफाइड में जिसको टाइफाइड हुआ होगा उसको अक्सर देखा होगा कि उसको तेज बुखार तो होता ही है और तेज बुखार के साथ साथ उनके शरीर में, सिर में क्या होता है, दर्द भी होता है। क्षय रोग का मतलब टीबी में अब वो क्या होगा कि बार बार खांसी के साथ कफ बनेगा, ठीक, बार बार खांसी के साथ आपका कफ निकलेगा और क्या होगा कि रक्त का निकलना भी होगा, ठीक है। अब डिप्थीरिया में क्या होता है, डिप्थीरिया का लक्षण क्या है कि आपको सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना, डिप्थीरिया में क्या होगा कि आपको सांस लेने में कठिनाई होगी और आपका दम घुटेगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्लेग, प्लेग के क्या क्या लक्षण है, तो आपको बहुत तेज बुखार होगा और शरीर में गिल्टियां होंगी, ठीक, शरीर में क्या होंगी, गिल्टियां, और आपको बहुत तेज बुखार होगा। काली खांसी, काली खांसी के लक्षण क्या है कि लगातार खांसी आना, लगातार अगर खांसी आते रहेगी तो समझिए कि आपको काली खांसी, ठीक। निमोनिया, अब निमोनिया के लक्षण क्या है कि निमोनिया में क्या होगा कि आपको तेज बुखार आएगा और तेज बुखार के साथ साथ आपके फेफड़ों में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, ठीक है। निमोनिया में क्या होगा कि आपको तेज बुखार आएगा और तेज बुखार के साथ साथ आपके फेफड़ों में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। कोड मतलब कुष्ठ रोग के बारे में, शरीर पर चकते होंगे, ठीक, और तंत्रिकाएं प्रभावित होंगी। कोड में क्या होता है लक्षण कि शरीर पर आपके चकते हो जाएंगे और आपकी जो तंत्रिकाएं वो प्रभावित होंगी। गोनोरिया में क्या होगा कि गोनोरिया में जो मूत्र मार्ग है उसमें सूजन हो जाता है, ठीक, मूत्र मार्ग में सूजन हो जाएगा। अब सिफिलिस के लक्षण क्या है, तो सिफिलिस में शीशन में घाव, क्या हो जाएगा, शीशन में
घाव हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि डीपीटी जो है वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। तो डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग हम लोग प्रायः तीन बीमारियों से बचाव के लिए करते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं तीनों? एक तो होगी पहली डिप्थीरिया, दूसरी काली खांसी, तीसरा टिटनेस। ठीक, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो तीन कौन कौन सी बीमारियां हैं वो? पहली होगी डिप्थीरिया, दूसरी होगी काली खांसी, तीसरी हो गया टिटनेस। ठीक है, अब आइए अब हम लोग आते हैं कि जीवाणु के कारण पौधों में होने वाले अनेक रोगों के नाम। ठीक है, जीवाणु के कारण पौधों में होने वाले अनेक रोगों के नाम। तो जो गेहूं का टुंडू रोग होता है वो कौन से जीवाणु के कारण होता है? कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु द्वारा पौधों गेहूं का टुंडू रोग होता है। ठीक है, अब नींबू का जो कैंकर रोग होता है, नींबू में कौन सा रोग होता है पूछ देगा, कैंकर रोग, तो कौन से जीवाणु द्वारा होता है? तो जेनोथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु द्वारा। कौन सा? जेनोथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु द्वारा। अब आलू का जो सैथिल रोग होता है वो कौन से जीवाणु द्वारा होता है? तो स्यूडोमोनास सोलेनीसियरम नामक जीवाणु द्वारा। स्यूडोमोनास सोलेनीसियरम नामक जीवाणु द्वारा। अब सेब का जो अग्नि नीरजा रोग होता है, सेब में कौन सा रोग होता है? अग्नि नीरजा रोग, तो कौन से जीवाणु द्वारा होता है? इरविनिया, इरविनिया नामक जीवाणु द्वारा। कौन सा? इरविनिया नामक जीवाणु द्वारा। धान का अंगमारी रोग, ठीक, कौन से जीवाणु द्वारा होता है? तो जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा। ठीक, धान का अंगमारी रोग। अब फलों में क्राउन गॉल, ठीक, तो किसके कारण? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिएंस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा टॉपिक क्या है कि जीवाणुओं द्वारा पशुओं में होने वाले रोग। ठीक है, तो जीवाणुओं द्वारा पशुओं में होने वाले रोग तो क्या क्या है? जानवरों का काला पैर रोग, ठीक, जानवरों का काला पैर रोग कौन से जीवाणु द्वारा होता है? तो क्लास्ट्रिडियम चावेई नामक जीवाणु द्वारा। क्या होगा? क्लास्ट्रिडियम चावेई नामक जीवाणु द्वारा। ठीक है, अब भेड़ में जो एंथ्रेक्स रोग होता है पूछ देता है कि भेड़ में कौन सा रोग होता है? तो भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होता है, कौन से जीवाणु द्वारा? तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा। ठीक, कुछ पॉइंट्स है, एक दो उसको देख लेते हैं हम लोग कि रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। ठीक, पूछ देगा कि सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। लिस्टर ने क्या किया? जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया। ठीक, पूछ देगा कि जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत किसने प्रस्तुत किया? तो लिस्टर ने प्रस्तुत किया। अब पूछ देगा कि जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान मतलब बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान मतलब बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है वो सब मैंने पढ़ा दिए। और ये बैक्टीरिया जो जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।